what they did when their ship was spoiled in the sea, what they did, they took a boat, some of the men, others all were died. बाकी सारे मर गए सी, कुछ के मैन और जो राइटर है लिख रहे हैं. दे टुक अ बोट एंड दे वर रीचिंग टू द लैंड. ओके, सो दे वर वेरी नियर टू द लैंड. देन सडनली वॉट हैपन्ड, अगेन स्टॉर्म केम एंड अगेन देयर बोट वॉज स्पॉइल्ड. देन दे वर नॉट हैविंग एनी होप ऑफ लिविंग. दे वर थिंकिंग नाउ वी विल डाई, बट अदर्स डाइड. ओनली द राइटर हु इज राइटिंग दिस स्टोरी, ही वॉज एस्केप्ड, वो बच गया एंड रीच्ड एट द बैंक, वो बच गया तो किनारे ते आ गया लैंड दे. बट ही वॉज नॉट नोइंग विच लैंड इज दिस, वेयर आई हैव कम, ही वॉज नॉट नोइंग दिस थिंग. जस्ट ही केम ऑन द लैंड एंड ही वॉज टू टायर्ड एंड ही डिडेंट थिंक वेयर एम आई, हाउ एम आई. जस्ट ही स्लेप्ट अंडर द ट्री एंड ही टुक रेस्ट ओवर देयर. ही वॉज स्लीपिंग फॉर द होल नाइट एंड द नेक्स्ट डे वेन ही वोक अप ही सॉ दैट इन द सी देयर शिप वॉज स्पॉइल्ड बट इट वॉज विजिबल. थोड़ी दूर पिया सी, डिग्या पिया सी, सब टुट गया सी शिप, बट इट वॉज विजिबल, ये दिख रहा सी उतों. देन दैट मैन वेंट टू दैट शिप, उथे शिप ते गया एंड ही वॉज फाइंडिंग द थिंग्स दैट इफ समथिंग इज लेफ्ट आई विल टेक. सो नाउ दिस राइटर वेंट ओवर देयर एंड ही इज कलेक्टिंग द यूजफुल थिंग्स फ्रॉम देयर. तो वो तो यूजफुल थिंग्स है जो वो कलैक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो चीज़ा लेके आता है, नेल्स, थ्रेड, पीस ऑफ क्लोथ्स, वुड. सो दीज ऑल थिंग्स ही कलैक्टेड एंड देन सम पेन्स, बुक्स. सो दीज ऑल थिंग्स ही ब्रॉट एंड ही स्टार्टेड टू मेक अ राफ्ट विद द हेल्प ऑफ दीज ऑल थिंग्स. देन अगेन ही केम टू द लैंड, जिथे वो लैंड ते उतरे उथे आ जांदा वापस वो सारिया चीज़ा लैके. एंड देन जस्ट ही इज ट्राइंग टू सरवाइव ओवर द लैंड. देन ही फाउंड अ डैन ओवर देयर, उथे एक केव लभदी उहनू और दिस इज़ अ स्मॉल केव, नॉट वेरी डीप फ्रॉम इनसाइड एंड जस्ट ही कैन सरवाइव इन दिस. बट ही डिडेंट डिसाइड टू लिव इन दिस केव, जस्ट ही यूज इट एज अ स्टोर रूम, इन एक स्टोर रूम की तौर यूज़ करता आपका सारा मटीरियल ये रख लैंदा. एंड ही पुट अ टेंट इन फ्रंट ऑफ द केव, वो केव के अगे एक टेंट लगा लैंदा अपना एंड ही स्टार्ट लिविंग इन दैट. बट ही वॉज कीपिंग हिज ऑल द यूजफुल थिंग्स इन द केव. Then he started living over there. He was fishing and eating. He was collecting food from here and there and eating. So in this way his days were going on. And he was alone over there. And one day he stood over the hill. वो देखता है कि मैं कितने है, मैं पता तो करा ना. ही वॉन्टड टू डिस्कवर. दैन ही स्टूड ओवर द हिल एंड ही फाउंड दैट ही इज़ ऑन अ आईलैंड, बिकॉज एवरीवेयर ऑल अराउंड वॉटर वॉज सीयर. चार चपेरे वो वॉटर सी है ना, तो उन्होंने पता चलता कि मैं तो एक आईलैंड पर रह रहा. एंड दिस वॉज अननोन टू हिम एंड ही ऑलसो सॉ that there are some more islands nearby. उत्थे नेड़े कुछ होर islands भी ने, वो ये भी देखता है. And then one day he found some corn seeds. वो कुछ उन्हों corn seeds लभदे है and he found a fine land over there. वो fine land लभ के उदे उपर
सीड्स नू सो कर देंदा है जिन्ने कि भी उन्हूं लभदे है. देन सम कॉर्न प्लांट्स ग्रोन. सो सम कॉर्न प्लांट्स ग्रू ओवर देयर. थोड़ी जी कॉर्न प्लांट्स उग गए. देन इट बिकेम बिग. देन आफ्टर दैट कॉर्नस वर सीन ओवर दीज प्लांट्स. एंड फिर वो की करता कॉर्नस के प्लांट्स नू भी कलैक्ट कर लैंदा. सॉरी कॉर्नस के सीड्स जिहड़े उहदे उपर लगते हैं कॉर्न प्लांट्स के ही कलैक्टड दोज सीड्स एंड अगेन सो इन द सोड इन द सीड सो लैंड. वो दोबारा जिन्ने को उन्हूं सीड्स मिलते हैं उहदे उपरों प्लांट्स के उपरों सारा नू दोबारा बीज दिंदा. एंड अगेन मोर कॉर्न प्लांट्स वर ग्रोन. एंड ही सॉ दैट नाउ ही कैन फाइंड इनफ कॉर्नस फ्रॉम दीज प्लांट्स टू मेक हिज फूड. सो इन दिस वे वो होर ज़्यादा कॉर्न प्लांट्स उगा के उहदे उपर जो उन्हूं कॉर्न मिलते हैं उन्हां नाल आपदा फूड प्रिपेयर करन लई एबल हो जाता. सो इन दिस वे ही इज़ सर्वाइविंग ऑन द आईलैंड. डे ही वेंट टू द अदर प्लेसिस. ही वॉन्टड टू डिस्कवर द आईलैंड. उहदे अंदर क्यूरियोसिटी जागदी है कि मैं पूरे आईलैंड नूं डिस्कवर करा किथे की है किस तरह का आईलैंड है. दैन ही वेंट अवे फ्रॉम दैट प्लेस एंड ही फाउंड वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स वर देयर. दैट आईलैंड वॉज वेरी ब्यूटीफुल आईलैंड. एंड नाउ ही इज़ थिंकिंग दैट ही इज़ वेरी हैप्पी ओवर देयर एंड ही इज़ थिंकिंग दैट ओनली आई एम द किंग ऑफ दिस आईलैंड. वो अपने आप में उतों का किंग समझता है एंड ही इज़ लिविंग ओवर देयर वेरी हैप्पीली. सो ही इज़ सर्वाइविंग वेरी नाइसली ऑन द आईलैंड. What is this? Oh my God! One day he found a footprint over there and he thought, I think someone else is also living there. Dekhda ki kisi de pair da nishan hai and he afraid, he scared ki it means itthe koi hor bhi reh riha hai. And then he was moving very very carefully because he was afraiding that maybe the person who is living here that may be dangerous, hai na. So if he was moving here and there then he was moving very carefully. And then one day what happened, he found that there is a fire on the island. Unnu is tarah lagda hai ki jimme kithe fire jag rahi hundi hai. And very carefully he was hiding himself and finding out that what is happening on this island. And then one day what he found, there was a fire and some men were sitting around the fire. They were enjoying. They were not wearing properly clothes and they were dancing there. They were enjoying there and he was looking at them by hiding himself. Wo apne aap nu chupa ke unna wal dekh riya si ki what is happening over there. And then what happened? They all took their boat and went away from there. Wo sare men ek boat te aaye hunde hai and wo fir wapas boat te chadh ke they went to the other island. And then he understood that they are not living on this island. They are living on other land. But they came here to maybe celebrate something or to maybe we can say as we go to the picnic, hai na. So they also came like that. But they were jo apa kehne na aadmanev, is tarah de men si and they were dangerous also. So now he was thinking
that no doubt I can live on this island very nicely, but I have to be very, very careful in the future. I have to escape myself from these type of dangers. So in this way, he was enjoying the adventures of that island. Us island diyan things nu, beautiful things nu enjoy kar riya si by living on it. But he was now very careful for the future. So this was the story, beta, that this writer went to an island and how he spent his days on this island. So now you will read this lesson from the book, okay? I didn't read it because it becomes boring. So now I have told you the story. So now you should read on behalf of you, okay? So I hope you might have understood this chapter. Thank you. Have a nice day.